अफसोसनाक खबर है। आपको बताएं कि सीनियर अदाकार मसूद अख्तर इंतकाल कर गए। अदाकार फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला थे, इत्तेफाक अस्पताल में जेरे इलाज थे। मसूद अख्तर ने ड्रामा और फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। सीनियर अदाकार मसूद अख्तर इंतकाल कर गए। अदाकार फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला थे, इत्तेफाक अस्पताल में जेरे इलाज रहे। मसूद अख्तर ने ड्रामा और फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। मजीद डिटेल्स हसनैन ओलक से जान लेते हैं। जी हसनैन जी, सीनियर अदाकार मसूद अख्तर आज सुबह तकरीबन 7 बजे इंतकाल कर गए हैं। वो इत्तेफाक अस्पताल में जेरे इलाज थे और जो सीनियर अदाकार हैं वो अरसा दराज से अलील थे और फेफड़ों के मर्ज में मुबतला थे। उनकी जो नमाज जनाजा है वो गुलशन रावी में अदा की जाएगी और इतलात के मुताबिक उस्मान पार्क गुलशन रावी में तकरीबन 4 बजे के करीब उनकी नमाज जनाजा जो है अदा की जाएगी। सीनियर अदाकार को 2005 में अगस्त में इस दारती तमगा से भी नवाजा गया और उन्होंने जो अपनी अदाकारी के जोहर हैं उनका जो लोहा है वो मनवाया। उन्होंने फिल्मों और ड्रामों में भी अदाकारी के जोहर दिखाए और उन्होंने काफी अरसा जो अदाकार हैं उनके लिए आवाज भी उठाई और उन्होंने जो अदाकार सपोर्ट फंड है उसके जो अदाकारों को दिया जाता है उसके हवाले से भी अदाकारों के हक में बड़ा काम किया। और यही वजह है कि जो सीनियर अदाकार हैं मसूद अख्तर, उनकी जो दिल है हमारे ना सिर्फ अदाकारों के जो चाहने वाले हैं बल्कि उनके जो चाहने वाले हैं जो उनके मदा हैं वो भी आज उनकी जो आंखें हैं वो नम होंगी, जो कि मसूद अख्तर जो इस दुनिया से कूच कर गए हैं। तकरीबन 80 साल की उम्र में उन्होंने इंतकाल किया है। अरसा दराज से अलील थे, जब वो इत्तेफाक अस्पताल में जेर इलाज थे तो जो सकाफती वजीर हैं सूबाई वजीर उन्होंने भी उनकी आयादत की और वक्तन फवक्तन जो सरकारी ओहदेदार हैं वो भी उनके पास जाते रहे, उनके जो आयादत है वो की जाती रही। आज तकरीबन 7 बजे के करीब उनका इंतकाल हुआ है। वो सीनियर अदाकार इंतकाल कर गए हैं। हसनैन औलख, आपका बहुत शुक्रिया।